Hey दोस्तों, नया साल, अरे 2022 शुरू हो गया। प्रभु की बड़ी अजीम कृपा, दया, करुणा और उसकी मोहब्बत के वसीले से एक नया साल हमारी और आपकी जिंदगी में शुरू हो गया। ओ खुदावंद का लाख 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 शुक्र। मैं बता रहा हूं, धन्यवाद ही धन्यवाद ही धन्यवाद हमारे मुंह से निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई हैं जिन्होंने ये नया साल नहीं देखा और कई ऐसे हैं जो बड़ी तकलीफ में गुजर रहे हैं। आपको तो पता है कैसे ये थर्ड वेव आ गई है। आपको ये भी पता है कितने लोग बीमार हो रहे हैं। आपने ये भी देखा कितने बिजनेस फेल हो रहे हैं। आपने ये भी देखा कितनी परेशानी बढ़ रही है, पर इसके बावजूद उसकी करुणा और उसकी भलाई दो डिटेक्टिव की तरह, His goodness and mercy have followed us like two detectives throughout the last year and even in this year. और उसकी करुणा और भलाई बिल्कुल एक परछाई बनकर हमारे पीछे पीछे चल रही है। और याद रखें, हमारे आगे कौन है? हमारा अच्छा चरवाहा। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो अपने दाहिने हाथ से हमें संभालता है और हमें अपने खुद अपने कंधों पे उठाकर जिंदगी के सफर के इस कारवां में वो चला रहा है। खुदा का लाख लाख शुक्र कि एक नया साल हमें देखने को प्रभु ने, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिखा दिया। इस जिंदों की जमीन पे, इन द लैंड ऑफ द लिविंग, हमें एक और मौका दिया है कि उसकी सताइश करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके गुण गाएं और उसकी तारीफ के नारे लगाएं कि हमारा खुदावंद भला है, हमारा खुदावंद विश्वास योग्य है, हमारा खुदावंद, हमारा परवरदिगार, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। He cares for us, और हमारी ढाल है वो, हमारा छुड़ाने वाला है वो हमारा लाल किला है और वो परमेश्वर हमारा सब कुछ है। मेरे अजीजों, ये तो आप जानते हैं कि पिछले साल क्या कुछ ना हुआ। और शायद आप रेगुलर व्यूअर क्यों ना हो इस प्रोग्राम के, शायद आपने कई लोगों के संदेश सुना हो, शायद आपके दिल के दरवाजे पे कई दफा खुदावंद यीशु मसीह ने दस्तक दिया हो या आपको नॉक किया हो, पर अभी भी आप सोच रहे हो कि मैं दरवाजा खोलूं या ना खोलूं। पर मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि समय जा रहा है। आपने कभी आवर ग्लास देखा है? आवर ग्लास कहते हैं उसको, वो जिसमें बड़ी छोटी छोटी रेत होती है, बारीक रेत होती है, और कैसे उस आवर ग्लास में देखो रेत चलती रहती है और एक घंटा खत्म होता है, उसको फिर घुमा देते, फिर चलती रहती। आवर ग्लास कहते हैं। दोस्तों, गौर से देखिए, एक साल बीत गया, कितने साल और बीतेंगे हमें नहीं मालूम। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कल और पल हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? दाऊद कहता है, माय टाइम्स आर इन योर हैंड्स, मेरा जो समय है, मेरा जीवन, एक खुदा तेरे हाथ में है। दोस्तों, हमारे जीवन का लेखक ऑथर कौन है? परमेश्वर है। शुरुआत तो हुई है, पर कब आखिरी चैप्टर लिखा जा रहा है ना आपको पता है ना मुझे पता, और कब आखिरी सेंटेंस होगा हमारे जीवन का हमें नहीं मालूम। कल और पल हमारे हाथ में नहीं मेरे अजीजों, परमेश्वर जानता है शुरुआत से कि आपका अंत कब होगा, कब आपका दी एंड होगा। पर याद रखें, हमें नहीं मालूम, जीवन वाकई बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ऐसी एक शख्स था, हमारे पिताजी ने ये मुझे एक किस्सा सुनाया था कि एक शख्स था, नाइग्रा फॉल सुना आपने? नाइग्रा फॉल जो बड़ी भारी आबशार है, ग्रेट वाटरफॉल्स है, लोग देखते हैं, पूरी दुनिया से लोग जाके देख के आते हैं नाइग्रा फॉल्स, और एक अजूबा है, एक कुदरत का अजूबा मेरे अजीजों। उस नाइग्रा फॉल्स में बड़े लोग आके देखते हैं, टूरिस्ट आते हैं और हैरान हो जाते हैं कि क्या नाइग्रा फॉल्स है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, एक शख्स था जो वहां पे लोगों को
सैर कराया करता, उसका काम यही था। और आपको पता है टूरिस्ट को साइड से यूं घुमा के वो बड़े आबशार को दिखाकर वापस लेके आता था, वो उसकी जीवन की रोजी थी। और कई सालों से ऐसे करता था वो। पर एक समय की बात है कि अपने नाव को साइड में साहिल के पास लगाकर एक उसका किल्ला गाड़ के उसने रस्सी के साथ बांधता था, जैसे अक्सर लोग अपने नाव को बांधते हैं। पर मैं बताना चाहता हूं, सारी रात वो अपने नाव में सो गया, बड़ा थका हुआ था। शायद मुझे मालूम नहीं कि शराब वराब पी के, शायद नशा लेके वो ऐसी जबरदस्त नींद आई, घोड़े बेच के सो रहा था वो। और बड़ी अच्छी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही अच्छे चिड़ियों का चहकना, पर सुबह हो जाती है और वो सो रहा है। चिड़ियों ने उठाने की कोशिश करी पर फिर भी सो रहा है। अच्छी अच्छी ठंडी हवा लगती रही उसको और बड़ी मधुर नींद, आदमी की नींद में सोता रहा वो। पर उसको नहीं मालूम था, गाफिल था वो, he was ignorant कि क्या हुआ कि हचकोले जो आते रहे लहरों के, वो लहरें जो आती जाती रहती हैं, उससे क्या वो किश्ती हिलती रहती है। और आपको पता है जैसे छोटे बच्चों को गोदी में लगा के लोग सोते हैं तो हल्का सा हचकोला होता है तो आदमी को नींद आ जाती, जैसे ट्रेन में आ जाती, गाड़ी में आ जाती लोगों को, तो बड़े आराम से सो रहा है मजेदार, ऐसा लगता है माँ की गोद में सो रहा है वो। पर उसको मालूम नहीं थी, मालूम नहीं था कि मौत की गोद में सो रहा था वो, क्योंकि वो जो किला जिसपे उसने वो रस्सी बांधी हुई थी वो हिलते 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 लूज हो जाता है और वो जो वो कुंडा था वो निकल जाता है। और जब वो निकल जाता है तो वो किश्ती अपने आप लहरों की सहायता से ऐसा 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 वो उसके ऊपर से चलने लग जाती है पानी के ऊपर से, और ये अभी भी बेहोश सो रहा है। हाँ, चेहरे पे हल्की किसी मुस्कुराहट, शायद कोई सपना देख रहा होगा, मैं मालूम नहीं। पर दोस्तों वो किश्ती चलती की चलती अचानक कुछ लोगों ने देखा, टूरिस्ट ने देखा जो दूसरी तरफ खड़े हुए थे, उसने कहा ये क्या सर है, ये किश्ती देखो ये तो आबशार की तरफ जा रही है, वॉटरफॉल की तरफ जा रही है। और वहां से लोग चिल्लाने लग गए, अरे लोगों ने देखा ये तो बंदा सो रहा है, उसको पता नहीं आगे मौत है, उसको ध्यान नहीं कि ये काफी समय से ये किश्ती चलते 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 वो वॉटरफॉल के पास आ गई है जहां से वो पानी कई फीट ऊपर से नीचे गिरता है और बहुत जबरदस्त आबशार है वो। आपको तो पता ही नियाग्रा फॉल्स के बारे में, मुझे समझाने की जरूरत नहीं आपको। पर उस वक्त लोग जो साइड में खड़े हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे, उन्होंने कहा ए सोने वाले उठ जा, ए सोने वाले उठ जा, जाग जा, जाग जा, जाग जा। और वो सोता ही रह गया, मेरे अजीजों सोता ही रह गया वो। अरे लोग चिल्ला चिल्ला के औरतें बच्चे लोग उधर से जोर जोर से सायरन बजा रहे हैं, वो लोग पुलिस वाले सायरन बजा रहे हैं, अरे जाग जा यार, जाग जा, चक्कू चला, इधर घूम के आ जा। पर वो सोता रहा, उसको कुछ मालूम नहीं कि कहां से आवाजें आ रही, क्या आ रही, वो गाफिल है, सो रहा है, आराम से सो रहा है। दोस्तों जब वो किश्ती ऐसा ऐसा उछकोले लेते हुए लेते हुए लेते हुए बिल्कुल एक एज पे आ गई, पर वहां पे एक छोटी सी चट्टान में आके अड़ जाती हो, वो अड़ जाती किश्ती, और वहां की जो पब्लिक थी वो तो अच्छा, कुछों की आवाज सुन के सारे लोग लग गए जो वहां, वो लोग तो इतनी जोर जोर से चलाने लगे, इतनी जोर जोर से कि अभी भी मौका है, ओ जाग जा सोने वाले, अभी भी मौका है, तू जाग जा, तुझे पता नहीं कहां जा रहा है, तू मर जाएगा, तू ये ऊपर से नीचे गिर के खत्म हो जाएगा तू। मेरे अजीजों उसने आखिर वो आवाज सुन ली, क्यों, क्योंकि वाटरफॉल थी जो गिरने पे बहुत पास आ गए तो पानी की छींटे आने लगी, क्योंकि उस चट्टान पर अड़ा हुआ था वो, हल्की सी किश्ती अड़ी हुई थी। और याद रखे लहरें आ रही, बड़ी तेजी से पानी घुस रहा है, बहुत तेजी से पानी गिर रहा है, आपको तो पता है। उस वक्त अचानक उसकी आंखें खुली, उसने देखा भौंकला गया वो, और उधर से लोगों की आवाज, इधर पानी का इतना आवाज, अचानक वो डर गया, कांपने लगा, एकदम चक्कर उठाया। पर दोस्तों किश्ती हिल गई वहां से और वो किश्ती नीचे आकर गिर गई, तहस नहस हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गए, और वो इंसान मर गया। बड़ा अफसोस मेरे अजीजों,
बड़ा अफसोस कि लोग सोते रह गए, वो इंसान सोता रह गया, उसको मालूम नहीं चला कि समय उसके लिए खत्म हो गया। मेरे अजीजों, मैं जानता नहीं हूं कि आपकी किश्ती कितनी आगे निकल गई है, मैं नहीं जानता, पर मेरे अजीजों मैं क्या कर सकता हूं, अपने हाथ जोड़कर मैं सिर्फ विनती कर सकता हूं उन लोगों की तरह जो उस साहिल के किनारे खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सोने वाले जाग जा, सोने वाले जाग जा। मेरे अजीजों, 2021 खत्म हो गया, ये नींद से कब उठेंगे हम? आपको मालूम नहीं कि जीवन कितना छोटा है, कल और पल हमारे हाथ में नहीं है। हर दम कोई तुमको जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। हर दम कोई तुमको जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसे को नतीजा कुछ न मिले, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों। एक बड़ी खूबसूरत आयत है, यरमिया की पुस्तक है, बड़ा जबरदस्त नबी था। मैं बताना चाहता हूं, रो रो के लोगों को बताता था, इज़राइल के लोगों को, कि तुमने खुदा के सामने गुनाह किया है, खुदा तुमसे नाराज है। वो रो रो के, वो इज कॉल्ड द वीपिंग प्रॉफिट, रो रो के लोगों से कहता, तौबा कर लो, मन फिरा लो, आ जाओ प्रभु के पास। उसने एक बड़ी खूबसूरत आयत मैं आपके सामने इंग्लिश में फिर हिंदी में पढ़ना चाहता हूं, वो इस तरह है, यरमिया चैप्टर 8 एंड वर्स 20, वो इस तरह है मेरे अजीजों, द हार्वेस्ट इज पास्ट, द समर इज एंडेड एंड वी आर नॉट सेव्ड। हिंदी में इस तरह है मेरे अजीजों, बहुत खूबसूरत आयत है, गौर फरमाइए। प्लीज लेंड मी योर ईयर्स एंड ओपन योर हार्ट्स। यरमिया का 8वां अध्याय और 20वां पद इस तरह यरमिया कहता है, लोग कहते हैं फसल कट चुकी, हार्वेस्ट इज ओवर, फल पकने की ऋतु समाप्त हो गई। दोस्तों, फल पकने की ऋतु समाप्त हो गई, फिर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। दोस्तों, कटनी का समय खत्म, हार्वेस्ट इज ओवर, हां वो ऋतु खत्म हो गई। सच कह रहे, गर्मियों का समय खत्म हो गया, वो कटनी का समय खत्म हो गया, सर्दियां आ गई। भाई देखो, कोट वोट पहन के मैं बैठा हूं, सर्दियां आ गई, रजाइयां निकल गई। दोस्तों, आदमी वुलन कपड़े पहन रहा है, अपने जैकेट निकाल लिए लोगों ने, अपने स्वेटर निकाल लिए, रजाइयां निकाल ली, ब्लैंकेट निकाल लिए, सर्दी पारा नीचे गिर गया। दोस्तों, कहां बैठे हैं आप? अरे, गर्मियां खत्म, हार्वेस्ट खत्म, कटनी भी खत्म, बारिशें खत्म, मॉनसून भी खत्म हो गया। मेरे अजीजों, विंटर आ गया, साल खत्म हो गया। दोस्तों, साल खत्म हो गया। यरमिया कहता है, द हार्वेस्ट कहता है इज पास्ट। अरे, कब से कटनी का समय तो हो चुका मेरे अजीजों, और कहता है गर्मियां खत्म हो गई, मॉनसून भी खत्म हो गया, गर्मियां खत्म, एंड वी आर नॉट सेव्ड, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। मेरे अजीजों, आपके अच्छे काम, आपकी अच्छी अच्छी चीजें जो आप बड़े बड़े खराइत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं,
या आपने कुछ ऐसे से अच्छे कर्म सोचा कि मैंने ये कर्म कर दिए, मैंने ये उपवास रख लिया। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा दूसरों की मदद मत कीजिए या उपवास मत करो, कोई नहीं। आप अगर आप रखना चाहते रखिएगा, नो प्रॉब्लम। आप कुछ अच्छा करना चाहते करिएगा, नो प्रॉब्लम। किसी को खाना खिलाना चाहते करिए, फॉर योर गुड वर्क्स, पर आपके अच्छे कर्म। मैंने कुचले चिथड़ों की तरह है, खुदावंद कहता है, सच कह रहे। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा मेरे अजीजों, नहीं। मैं तो सिर्फ दूर से खड़ा आपको चिल्ला के बोल रहा हूं, अरे कटनी का समय खत्म, हार्वेस्ट इज ओवर, गर्मियां खत्म हो गई, अरे 2021 खत्म हो गया, 2021 खत्म हो गया, नया साल आ गया मेरे अजीजों। नया साल कब ना जागोगे मेरे अजीजों, कब ना जागोगे, कब जागोगे आप? क्या किस समय का इंतजार है? क्या ऐसा तो नहीं मौत का इंतजार? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मौत नहीं बोलूंगा मैं। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप यू टर्न कर सकता था वो आदमी, है, जब तक वो जिंदा था। कोशिश करी पर बहुत लेट हो गया था, बहुत लेट हो गया था मेरे अजीजों, बहुत देर हो गई थी दोस्तों। मेरे अजीजों, एक ऐसा शख्स था, बड़े भारी बाढ़ आई हुई थी, बाढ़। उस बाढ़ में वो छत पे जाके खुदा से दुआ कर रहा, खुदा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, खुदा बचा ले मुझे। ये छोटी सी कहानी है, सच्चा वाक्य नहीं, कहानी है। और उसने उधर से देखा एक आदमी नाव में आया, बाबू आजा आजा जल्दी, सामान रख के आजा, हम जा रहे। नहीं नहीं, खुदा मेरी मदद करेगा, खुदा मदद करेगा, मेरा विश्वास है ना। फिर उधर से हमने देखा और मोटर बोट में कोई आया, पानी बढ़ता चला जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक आ गया और पानी आ रहा ऊपर तक, और सैलाब आ गया, पानी 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 सब जगह, जबरदस्त सैलाब। और वहां पे उसने कहा, नहीं, मोटर बोट वाले को कहा, नहीं भाई मेरा खुदा मुझे बचाएगा, मैं दुआ कर रहा हूँ घुटनों पे, हे खुदा मुझे बचा ले। फिर उधर से एक हेलीकॉप्टर में किसी ने ऊपर से जब देखा यहां तक पानी आ गया, ऐसे से करके ऊपर हेलीकॉप्टर ने ऊपर से लैडर फेंका, अरे यार ऊपर पकड़ ले यार, निकल ऊपर आ जा, मर जाएगा तू, नहीं खुदा मुझे बचाएगा। मौका गवा दिया उसने, मर गया वो, स्वर्ग पहुंचा। कहानी बता रहा, स्वर्ग में पूछ रहा था, खुदावन तूने कहा पुकार मेरी ओर, मैं तुझे बचाऊंगा, तूने बचाया क्यों नहीं, मैं डूब के मर गया। स्वर्ग में बोल रहा प्रभु, उसने कहा मेरे बेटे मैंने 3 दफा मदद भेजी, तूने मदद क्यों नहीं ली, व्हाई डिड यू अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तूने मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया। मेरे अजीजों, खुदा ने पिछले साल कई मौके दिए आपको, कई दफा खटखटाया आपके दिल के द्वार पे, पर आप शायद आप डरते हैं कि दूसरे क्या बोलेंगे, शायद आप घबरा गए मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, मेरी वाइफ क्या बोलेगी, मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, या मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, शायद मुझे सिगरेट शराब छोड़ना पड़े, या मुझे ये मैं झूठ नहीं बोल पाऊं। अरे दोस्तों छोड़ दो इन चीजों को भाई, छोड़ दो, उधार पाओ। बाइबल बताती स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जहां मनुष्य उधार पा सके या बच सके। और वो नाम क्या है? वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मतलब, जैसे हमेशा मैं बताता हूं, उधार देने वाला, मुक्तिदाता, द वन हु विल सेव यू फ्रॉम योर सिंस, जीसस क्राइस्ट का मतलब मसा करके भेजा हुआ, ही वाज सेंट टू सेव यू एंड मी। क्रिसमस अभी गया है, हमने मनाया क्यों? और हमने पिछली बार क्या देखा था, खुदा मुजस्सम हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, इमैनुअल बना, वो आया आपको और मुझ जैसे गुनेगार को बचाने के लिए, वो आया, वो पवित्र परमेश्वर आया हमारे लिए जान देने के लिए। कहता मैं आया हूं ताकि मैं अपनी जान दे सकूं, मेरे पास अधिकार है जान देने के लिए, वापस जान लेने के लिए, और इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा नहीं। ग्रेटर लव हैज नो मैन देन दिस, दैट अ मैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स, कि अपने मित्रों के लिए कोई अपनी जान दे दे। और मेरे अजीजों, 2022 साल पहले सनी ईस्वी है ये, प्रभु यीशु मसीह मुझ गुनहगार के लिए और दुनिया के सब सबने गुनाह किया है, बाइबल कहती है सब लोगों के लिए, वो हमारे लिए
मारा गया, वो पाप की मजदूरी मृत्यु उसने अपने ऊपर ले ली, खुदा का गजब वो क्रोध अपने ऊपर ले लिया। मेरे अजीजों, वो हमारे लिए उसने हमारी नरक, हमारी सजा, हमारी मौत अपने ऊपर ले ली। ओ मेरे अजीजों, ओ मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे नौजवानों, मत सोते रहिए, आज कोई तुम्हें बुला रहा है। देखो यीशु तुम्हें बुला रहा है, एक नजर तो मोड़ लो। ए दुनिया की लहरों पे चलने वाले, क्यों इस तरह सो रहा है तू? उठ जा, जाग जा, वो प्रभु यीशु मसीह सलीब से बुला रहा है आपको। जो मर के जी उठा, वो प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। जो जिंदा स्वर्ग में गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, जब तक उसके दुश्मन उसके पैर की चौकी ना बन जाए। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए, उसने सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। He loves you with an everlasting love। आज उन मोहब्बत की डोरी से अपनी पास अपने आप को खींच रहा है। क्या अपना दिल उसको नहीं दोगे, जिसने आपके लिए जान दे दी, मर के जी उठा, वो जिंदा खुदा है। मेरे अजीजों, the harvest is over, the summer is over, कटनी का समय खत्म हो गया, ऋतु खत्म हो गई है, ऋतु सर्दियां आ गई, साल चला गया। कब तक आप वेट कराओगे? कब तक? आज एक बार फिर उधार की ट्रेन आपकी जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे आके लगी है। दोस्तों प्लीज, आज है मौका कि आप उस विश्वास की उस कदम उठाकर उस प्रभु यीशु मसीह पे अपनी यकीन और विश्वास डालकर चढ़ जाइए उस सर्वेशन एक्सप्रेस में। चढ़ जाइए दोस्तों, छोड़ दीजिए इस दुनिया की चीजों को, चढ़ जाइए। आज अपना आज मौका मत गवाइए, जैसे कि जकई ने मौका नहीं गवाया, चला गया, वो पेड़ पे चढ़ गया और प्रभु को अपने घर बुलाया, उसकी जिंदगी बदल गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज ही इस घर में उद्धार आया। और वो औरत जिसको 12 साल से खून बहने की बीमारी थी, उसको पता चला प्रभु उस भीड़ में घुस गई, उस भीड़ में घुस जाओ, और उसके वस्त्रों को छू लिया उसने, और चंगाई पाई उसने। डिले नहीं करा उसने, नहीं, बार्टिमियस, अरे चिल्लाने लगा वो भिखारी अंधा आदमी बार्टिमियस, वो चिल्ला चिल्ला उसने कहा, ए दाऊद के घराने पे, ओ सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। दोस्तों उसने मौका नहीं गवाया, चला गया, कदमों में गिर गया, रोशनी पाई, जिंदगी बदल गई उसकी आंखें ठीक हो गई, आंखें तो छोड़ो, उसको उद्धार मिल गया, उन सबको उद्धार मिला। दोस्तों आ जाओ, चढ़ना है पेड़ चढ़ जाइए, पर्वतों को चढ़ जाओ, उसके वस्त्रों को छू लो, भीड़ में घुस जाओ, छू लो उसको और बोलो, ए खुदा मुझको नेकार पे अपनी दया करो, ए खुदा मैं गुनेगार हूं, मैं पूरे मन से इसका अंगीकार करता हूं, प्रभु मैं आज आ गया हूं, मैं आज के आ गया हूं आपके पास प्रभु, मैं और डिले नहीं कर रहा हूं प्रभु, ओ मुझ गुनेगार पर दया करो, है मर्सी और मिया सिना, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो, आप मेरे लिए मारे गए, सलीब पर लहू बहाया, गाड़े गए, दफन कर दिए गए, तीसरे दिन जी उठे और जिंदा स्वर्ग में गए, मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं, और आज अपने दिल में आपको जगा देता हूं, प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मैं आज आपको अपना मुक्तिदाता, प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आप यूं कह सकते हैं, The harvest is past, the summer is ended, and I am saved। कटनी का समय बीत गया, ऋतु बदल गई, पर मेरा उद्धार हो गया है। May it be your story। God bless you for a very blessed 2022।
खुदावन अपनी अपने आशीषों की बरखा आपके करता रहे। और जिन्होंने आज खुदावन यीशु मसीह पर अपना यकीन करा है और क्षमा मांगी है, दोस्तों इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। खुदावन यीशु मसीह आपका स्वर्गीय पिता है, आप उसकी संतान बन गए। गॉड ब्लेस यू इन दिस न्यू ईयर। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हैप्पी